Nothing Phone 2 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और जिसका प्राइस है ना Nothing के हिसाब से काफी ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि हमने फोन 1 देखा था काफी ज्यादा हायर प्राइस पॉइंट पे आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है कि क्या ये फोन 1 से बेटर है, क्योंकि Nothing इसको ऐसा पोर्ट्रे करा है कि एक्चुअली में सक्सेसर है फोन 1 का। अब देखो सबसे पहले ना फोन के डिजाइन एंड बिल्ड पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हैं जो दोनों फोन देखने में तो सेम है बट बहुत मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहले बैक मटेरियल की बात करो, यहाँ पे आपको ग्लास पैक मिल जाता है और जो इसमें आपको फोन 2 में है आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट यूज करा है। और ओवरऑल फोन का जो फ्रेम्स भी है ना इसमें आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है और यहाँ पे आपको सेम पॉलीकार्बोनेट फिनिश है, लेकिन दिखने में जो आपको सेम ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को ज्यादा इन हैंड फील जो प्रीमियम लगा है वो फोन 1 का लगा है। अगर मैं बाकी चीजों की बात करूँ तो दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। मेरे को थोड़ा सा बेटर जो है आपको फोन 2A का लगा है। स्पीकर्स दोनों में डुअल थे और यहाँ पे भी जो है स्टीरियो स्पीकर की जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हैप्टिक्स की भी मैं अगर बात करूँ ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करा है फोन 2A के अंदर भी, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप बजट फोन यूज कर रहे हो। और जैसे आप देख पा रहे हो नीचे में दोनों आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और ऊपर 3.5 जैक देखने को नहीं मिलेगा, ना ही माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट है। IP54 इसमें रेटिंग है और इसमें IP53 था, तो थोड़ा बेटर आपको ये स्प्लैश स्टेशन मिल जाएगा। ओवरऑल डिजाइन के मामले में देखो जो ग्लिफ लाइट्स की मैं बात करूं तो यहां पे आपको ज्यादा ग्लिफ लाइट्स जो थे फोन 1 में मिलता था बट फोन 2 में आपको 3 ग्लिफ लाइट्स मिलते हैं, बट जो यूसेज है वो आपको सिमिलर मिल जाता है। कस्टमाइजेशन भी जो है आपको एकदम सिमिलर सा मिलने वाला है। अब देखो ओवरऑल मैं अगर बात करूं कि कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगता है तो यार देखो चॉइस की बात है कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, बट मेरे को ज्यादा प्रीमियम जो है फोन 1 लगा था। और कलर्स की बात करूं तो इसमें भी आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों ऑप्शन मिल जाएगा फोन 1 की तरह। अच्छा वैसे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, दोनों फोन में NFC है तो वहां पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पे मैं Nothing फोन देखो मैंने बहुत टाइम यूज करा, मैं पर्सनल डिवाइस रह चुका है Nothing फोन 1, और वहां पे एक मेरे को हमेशा कमी लगती थी कि ब्राइटनेस जो था ना वो उतना ब्राइट नहीं लगता था आउटडोर यूसेज में, और वहां पे लगता है फोन 2 ने काफी अच्छा काम करा है, आपको उससे बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज की बात करूं तो आपको यहां पे 6.7 इंच मिल जाता है और इसमें 6.55 था, दोनों 120Hz AMOLED डिस्प्ले है और यहां पे आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि 30 से 120Hz जा सकता है। अब Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है तो वहां पे कोई इशू नहीं है, बट ओवरऑल मुझे लगता है डिस्प्ले में थोड़ा ज्यादा इंप्रूव जो है मेरे को लगा यहां पे फोन 2A में। यहां पे काफी अच्छा पैनल यूज करा है 10-bit पैनल बट जो कलर्स है बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, और आपको कोई भी कंटेंट देखने में इस डिस्प्ले पे उतना ही मजा आता है जितना फोन 1 में था, उल्टा थोड़ा ज्यादा बेटर आपको फोन 2A का डिस्प्ले लगेगा। अब देखो सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि ये पहला फोन है Nothing का जिसके अंदर आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है जो कि है 7200 Pro। अब देखो प्रो पे मत जाना, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन होता है Nothing की तरफ से जो कि हो सकता है कैमरा में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अगर मैं यूसेज की बात करूं तो 778 से ये थोड़ा हां ज्यादा आपको पावरफुल लगेगा। और अगर मैं ऐप ओपनिंग की बात करूं तो यहां पे थोड़ा चेंज है कि आपको ना Nothing फोन 1 में UFS 3.1 मिलता था जो कि बेटर स्टोरेज टाइप है, लेकिन यहां पे ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी करी है कि जैसा आप देख पा रहे हो ऐप ओपनिंग की बात करूं दोनों सेम स्पीड पे ओपन करते हैं, वहां पे कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार हां आपको स्टोरेज जो है आपको स्लोअर मिल रहा है। और डेली यूसेज में ना फोन बहुत ज्यादा फ्लूइड, सबसे अच्छी चीज क्या है कोई भी ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, प्लस जो एंड्रॉइड का जो है ना इसके अंदर आपको 14 मिलता है, प्लस आपको 3 साल का OS और 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो ये देखो मेरे लगता है Nothing का सबसे बेस्ट पार्ट है जो इनका OS है ना वो आपको कोई भी इतना अपडेट्स नहीं देगा, प्लस आपको इतना क्लीन एक्सपीरियंस कोई नहीं देने वाला है, और जहां पे मेरे को लगता है कि Nothing फोन 2A ने उतना ही अच्छा परफॉर्म करा जहां फोन 1 था। वैसे आप यहां पे ना देखो बेंचमार्क्स देख सकते हो कि आप फोन 2A जो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, और गेमिंग की मैं बात करूं तो वहां पे बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करा था Nothing फोन 2A ने, कोई भी हीटिंग नहीं थी, मैंने काफी देर इसमें जो था यहां पे BGMI खेला था उसके बाद भी फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। अब उससे बेस्ट पार्ट पे आते हैं जो कि फोन 1 में नहीं था जो कि है बैटरी। यहां पे आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाता है और फोन 1 में 4500 mAh था। इस फोन का बैटरी बैकअप यार मेरे सबसे वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला अपने सेगमेंट में, लगभग 2 दिन मैंने इस फोन को चलाया था और लगभग 3.5-4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम था, उसके बाद भी 29% बैटरी बचा हुआ था। और इस यूज केस में ना ज्यादातर 1 घंटे का तो CPU थ्रॉटल टेस्ट था, कैमरा टेस्टिंग थी और गेमिंग मैंने टेस्ट करा था, उसके बाद भी इतना बैटरी बैकअप रहना बहुत ज्यादा अमेजिंग है फोन 2A के लिए। अब यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात करें तो वहां पे भी आपको अपग्रेड मिल जाता है, आपको 45W का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 33W था जो Nothing फोन 1 में था। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है कि फोन 1 में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती थी, फोन 2A में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा, बट जो वायर चार्जिंग है यार मेरे को ऑलमोस्ट का डिसेंट स्पीड लगा है और बैटरी बैकअप इतना अच्छा है कि मेरे को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो वायरलेस चार्जिंग हट भी गई ना तो आपको बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अमेजिंग मिल रहा है। अब देखो दोनों फोन के ना कैमरास पे आता है, आपको 50+50 का दोनों में सेटअप मिल जाता है और OIS का दोनों में सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट में बोलूं तो यहाँ पे Nothing फोन 2A आ गया है, आपको 32 MP का आपको सेंसर देखने को मिलता है जो कि सेम Nothing फोन 2 में है, तो वहां पे फ्रंट कैमरा में बोल सकता हूं कि डायरेक्ट आपको अपग्रेड मिलता है, अच्छे इमेजेस आते हैं फोन 1 के कंपैरिजन। अब बैक कैमरा मैंने देखो थोड़ा मैं कुछ चीजें बताया तो कि अभी ना जैसे Nothing फोन 1 है क्योंकि उसमें उतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं, उसका कैमरा जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है क्योंकि फोन 1 भी स्टार्टिंग में उतना अमेजिंग नहीं था। फोन 2A का भी सिमिलर केस है, इतने अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आ रहे, अभी तक 2 अपडेट्स आ चुके हैं कैमरा के रिगार्डिंग भी, तो मेरे को लगता है ये और बेटर परफॉर्म करेगा। अभी मैं देखो कंक्लूजन नहीं दूंगा कैमरे पे, बट यहाँ पे आप सैंपल्स देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद फोन 2A और बेटर होता जाएगा, जो उसका नेचुरल बुक है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और डिटेल्स भी काफी अच्छे लेता है। अभी मेरे को लगता है ह्यूमन स्किन टोन्स पे इसको थोड़ा और वर्क करना होगा, और अगर मैं वीडियो की बात करूं तो 4K 30 FPS से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और अल्ट्रा वाइड की बात करूं देखो दोनों में आपको सेम 50 MP का सेंसर मिलता है और सिमिलर क्वालिटीज आपको मिल जाएगी। अब देखो फोन के प्राइस पे आते हैं, फोन 2A जो है आपका 23999 से स्टार्ट हो जाता है 8128 के लिए, और अगर मैं फोन 1 के प्राइस की बात
बात करूं तो आई थिंक ये 31999 का आया था 8128 या फिर 8256 के लिए। अब लेकिन देखो सेल पे ये फोन भी जो था आपको 2627 का मिल जाता था, तो क्या ये फोन 1 से अपग्रेड है? देखो बहुत चीजों में ना अपग्रेड डेफिनेटली है। आपको डिस्प्ले बेटर मिलता है, आपको फास्टर चार्जिंग मिलती है और बैटरी जो भी काफी अमेजिंग है, प्लस जो आपका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा और अपग्रेड हुआ है। कुछ चीजों में कॉस्ट कटिंग है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिस प्राइस पे फोन 2A आ रहा है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फोन रहने वाला है। और मेरे को लगता है कैमरा और बेटर हो जाएगा अपडेट्स के साथ। अगर किसी को ये लग रहा हो कि यार फोन 1 की जगह फोन 2A लेना चाहिए अगर वो यूज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अपग्रेड मत करना, अभी नीड नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।